दोस्तों नमस्कार। दोस्तों इस वक्त हम हैं बनारस की गलियों में और हम हैं रविदास, श्री गुरु रविदास जी के गेट के पास। और दोस्तों यहाँ पे हम लोग आए हैं सबसे पुरानी, जी हाँ दोस्तों सबसे पुरानी चाची जी की दुकान पे, यहाँ पे जो कि कचौड़ी मिलता है। चलिए ये जानते हैं भैया से और इनकी दुकान कितनी पुरानी है और यहाँ पे क्या क्या मिलता है खाने के लिए। तो अभी आप देख सकते हैं दोस्तों काफ़ी भीड़ है और भैया जी देख लीजिए जलेबी बना रहे हैं। इनका बनाने का जो तरीका है देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे आप लोग दिखाइए और दिखाइए यहाँ पे जो भी लोग खा रहे हैं उनको भी दिखा दीजिए। और दोस्तों देख सकते हैं और अभी हम दोस्तों हमने काफ़ी जल्दी प्रयास किया यहाँ आने पे, लेकिन फिर भी यहाँ पे काफ़ी भीड़ है देख सकते हैं आप लोग। और भैया का बनाने का तरीका देख सकते हैं, अभी हम भैया से भी जानकारी लेंगे इस दुकान के बारे में और पूरा एड्रेस भी बताएँगे और यहाँ पर क्या क्या मिलता है कचौड़ी और जलेबी के अलावा। तो आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहिए। यहाँ दिखा दीजिए इधर इधर ये जो देख रहे हैं तेल का जो डब्बा है उस पर बैठ करके लोग खा रहे हैं। हालांकि दुकान छोटा है लेकिन काफ़ी फेमस दुकान है, जी हाँ दोस्तों। और यहाँ पे लगभग बनारस जो भी आते हैं यहाँ पे इनके दुकान पे आते हैं खाने के लिए। तो हम भी सोचे हैं कि चलिए आते हैं खाते हैं। तो हम लोग फाइनली आ चुके हैं और देख सकते हैं आप लोग शुगर रुकिएगा। बन करके तैयार हो चुका है और काफ़ी झूर झूर जलेबी बना रहे हैं भैया। और पीछे देख सकते हैं मेरे साइड में यहाँ पे काफ़ी भीड़ है, ऐसे लोग खा रहे हैं देख सकते हैं आप लोग। ये चला जाएगा दोस्तों रोड तुलसी मानस मंदिर की तरफ और डायरेक्शन दिया गया है देख सकते हैं आप लोग। यहाँ ऊपर बोर्ड लगा है 1915 और ये प्रसिद्ध चाची की दुकान। और यहाँ पे देखिए यहाँ समोसा वगैरह भी मिलता है। देखिए यहाँ पोस्टर लगा है और भी भैया से हम जानकारी लेंगे यहाँ क्या क्या चीज़ें मिलती है। तो चलिए दोस्तों भैया से आप जानकारी लेते हैं इस दुकान के बारे में। तो यहाँ पे हैं भैया जी और देख सकते हैं अभी जलेबी बना रहे हैं भैया। भैया जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जी जी बताइए। और ये दुकान जैसा कि हम सुने कि बहुत पुरानी दुकान है चाची जी की। हाँ ये बहुत पुरानी है, 1915 से है, जब भारत आज़ाद भी नहीं हुआ था। 1915 से। वाह भाई मानना पड़ेगा। और बताइए यहाँ पे क्या क्या मिलता है भैया और जो है ये क्यों इतना प्रसिद्ध है इसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बता दीजिए। जो कचौड़ी आप देते हैं यहाँ सुबह में मॉर्निंग में तो कचौड़ी सब्जी जलेबी मिलता है। अच्छा। और फेमस इसलिए है क्योंकि यहाँ पे कचौड़ी खाने के लिए लोग पहले गाली खाते थे, दादी की गाली। अच्छा दादी की गाली। जी जी जी। वो उनका आशीर्वाद था। अच्छा उनका आशीर्वाद है। वो एक प्रेम था कि प्यार से खिलाती भी थी। अच्छा। और प्यार से गाली भी देती थी और उन लोगों को पछ जाता था। अच्छा। वो पछ जाता था और नहीं देती थी तो लोग जानबूझ के परेशान करते थे। अच्छा। कि वो गाली दे। हाँ दादी का दुकान गाली पे ही चलता था। अच्छा। और एक प्रेम होता है, प्रेम, हाँ, प्रेम, एक व्यवहार होता है। हाँ। अब दादी तो नहीं है लेकिन वो प्रेम व्यवहार आज बना हुआ है। कस्टमर से वो जो लगाव है वो आज भी है। आज भी 50 साल 60 साल पुराने कस्टमर जो हैं आज भी आते हैं, ये लोग लगे हुए हैं सारे। और यहाँ पे क्या क्या मिलता है भैया जलेबी कचौड़ी? सुबह 3:30 से 4 के बीच में दुकान खुल जाता है। 3:30 से 4 के बीच में दुकान खुलता है। कचौड़ी सब्जी जलेबी और तुम्हारा 11 बजे तक मिलता है जी। उसके बाद 12 बजे के बाद समोसा और ये सब आइटम है, जो समोसा लौंगलोता है जामुन में वो सब आइटम चलता है। यहाँ पे सेलिब्रिटी भी आए हैं, सेलिब्रिटी काफ़ी आए हैं यहाँ पे। दादी के समय राजेश खन्ना भी आए थे गाली से। राजेश खन्ना आए थे, गुलशन गोबर आए थे। अच्छा। राज बब्बर आ चुके हैं, राजनाथ सिंह आ चुके हैं। अच्छा। मनोज सिन्हा हो चुके हैं, लालू यादव हैं और बहुत सारे जो इंडिया के मास्टर शेफ हैं विकास खन्ना, वो अक्सर आते रहते हैं। अच्छा। वो लोग अक्सर आते हैं। अभी हाल ही में राघव आया रहा, डांस इंडिया डांस का राघव है। और बहुत सारे नेता राजनेता तो मंत्री हो गए, सांसद हो गए, विधायक हो गए, सारे लोग आज भी जुड़े हुए हैं। आज भी दादी का प्रेम पाने के लिए यहाँ पे खाने के लिए, उनका आशीर्वाद पाने के लिए आते हैं यहाँ पे। दादी तो नहीं लेकिन वो जो प्रेम संबंध बना हुआ है वो जरूर उनको यहाँ तक खींच लाता है। हाँ। और जो प्रेम व्यवहार होता है बस हाँ, एक सम्मान होता है, वो सम्मान कस्टमर को दिया जाता है, सम्मान से सम्मान मिलता है। और स्वाद भी वही पुराना है।
स्वाद भी वही पुराना। आज भी कोहड़े की सब्जी 100 साल के ऊपर हो गया, आज भी कोहड़े की सब्जी वही बन रही है बिना लहसुन प्याज का। बिना लहसुन प्याज का 100 साल के ऊपर से बन रहा है कोहड़े की ही सब्जी। और यहाँ पे लोकेशन अपना बता दीजिए भैया। ये आपका है बीचू लंका चौराहा है जी। हाँ, ये कौन सा गेट है? ये रविदास गेट के ठीक सामने है हमारी दुकान, चाची की दुकान। और जो ये जलेबी बनाते हैं आप, ये जलेबी मटके से बनता है, ये भी 100 साल के ऊपर से ही हो रहा है। आज तक हम लोग को कपड़ा यूज़ नहीं हुआ, जो भी बनता है इसी से बनता है। और इतना क्रंची रहेगा कि आप खा लीजिए। और उसके बाद ये है कि अब तो शुगर फ्री भी खिला रहे हैं हम। अच्छा, शुगर फ्री एकदम लाइट शुगर रहता है जलेबी। हाँ, चलिए अभी हम भी टेस्ट करेंगे। एकदम करिए आप। तो दोस्तों, भैया से बातें करके काफ़ी अच्छा लगा, और इन्होंने जो दुकान है इसके बारे में काफ़ी अच्छे तरीके से जानकारी दिए हैं। और दोस्तों देख सकते हैं, चलिए हम भी टेस्ट करते हैं जो यहाँ की कचौड़ी है और जलेबी है। और देख सकते हैं यहाँ पे कचौड़ी कैसे बन रहा है, इसको दिखा दीजिए। और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग इनकी आइटम देख सकते हैं, बनाने का तरीका दिखाओ। यहाँ पे दिखा, मटके से बना रहे हैं भैया। देख सकते हैं दोस्तों, और इनकी दुकान दिखा दीजिए, ये लगभग 100 साल पुरानी दुकान है। और काफ़ी बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी यहाँ आते हैं, जैसा कि भैया जी ने बताया। अभी फ़िलहाल प्राइस तो बड़ा है मार्च से, 4 कचौड़ी 40 का है, 10 रुपये पीस हो गया है, और जलेबी 200 रुपये किलो है। हाँ, एक प्लेट 40 का है कचौड़ी। हाँ, जलेबी अगर इंक्लूड करेंगे तो 50 का हो जाएगा। एक प्लेट कचौड़ी सब्जी जलेबी 50 रुपये का। चलिए हम भी टेस्ट करते हैं और आपको स्वाद बताते हैं। देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे काफ़ी भीड़ है। तो दोस्तों देख सकते हैं मेरा चाची की दुकान, और यहाँ पे आ चुका है, देख सकते हैं कचौड़ी आ चुका है। और दोस्तों मैं टेस्ट किया हूँ, स्वाद काफ़ी टेस्ट है दोस्तों। और देख सकते हैं दोस्तों, इसमें दोस्तों जो लहसुन प्याज है उसका इस्तेमाल नहीं किया गया है, बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। बस थोड़ा सा महंगा है, लेकिन काफ़ी टेस्ट लग रहा है दोस्तों। वाह भाई जी, एकदम मस्त। और इसमें चना है, कोहड़क सब्जी, बहुत मस्त लग रहा है दोस्तों। तो भाई लोग देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा लगा खा करके। और ये हैं भैया जी खा रहे हैं, बहुत मज़ा आया टेस्ट। मेरे भारत में भरा हुआ है, रस से भरा हुआ है।